भारतीय सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार करवा चौथ का उत्साह हर जगह देखने को मिलता है और भारतीय सिनेमा ने तो करवा चौथ को एक नया रूप दे दिया है, एक नया उत्साह, एक नई प्रसिद्धि दे दी है करवा चौथ को महिलाओं के बीच में। करवा चौथ के दिन 16 सिंगार करना, खूबसूरत दिखना हर महिला की इच्छा होती है। करवा चौथ हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। करवा चौथ व्रत का अगर आप पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो कृपया करके ये कुछ काम ना करें तो बेहतर होगा। हो सके तो महिलाएं इस दिन सफ़ेद या काले रंग के कपड़े धारण ना करें, अशुभ माना जाता है। वैसे तो किसी भी व्रत में दोपहर के समय नहीं सोना चाहिए। करवा चौथ के व्रत धारण करने वाली महिलाएं कृपया करके दोपहर में ना सोएं। अगर कोई सो भी रहा है आपके घर का सदस्य तो उसे उठाने की कोशिश ना करें। ऐसा कहा जाता है कि करवा चौथ के दिन किसी सोते हुए को उठाना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सिलाई, कैंची आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए, इनका काम नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो अशांति का माहौल हो सकता है घर में। वैसे तो किसी भी व्रत में बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन सास ससुर का सम्मान करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो व्रत का सारा फल नहीं मिलता है। करवा चौथ के दिन बहस, झगड़ा इत्यादि से बचें तो बेहतर होगा। फालतू की बातें ना करें, ना सोचें, जैसे किसी की बुराई करना बिल्कुल भी ना करें। व्रत का सारा लाभ नहीं मिलता है ये सब करने से। बहुत ज़रूरी बात ये है कि इस दिन सिंगार, सुहाग का कोई भी सामान, कोई भी चीज़ किसी को ना दें और ना ही किसी से सिंगार या सुहाग की चीज़ें लें। जैसे उदाहरण के तौर पे क्लेचर जो हम बालों में लगाते हैं, इसको भी ना किसी को दें और ना ही किसी से लें तो बेहतर होगा। आइए जानते हैं कि करवा चौथ के दिन महिलाएं क्या करें ताकि उनको इस व्रत का पूरा लाभ मिले। करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाएं हो सके तो लाल रंग या पीले रंग के कपड़े धारण करें। इन दोनों रंगों को शुभ माना गया है। जिनकी भी नई शादी हुई है, पहला करवा चौथ है जिनका भी, वे अपने शादी के जोड़े को जरूर पहने इस दिन। वैसे तो हर दिन अपने बड़ों के पैर छूना चाहिए, पर इस दिन अवश्य ही पति और अपने बड़ों के पैर छुएं। अगर हो सके तो घर में गीत संगीत करें, भजन कीर्तन करें, उससे मन लगा रहेगा और घर का वातावरण भी खुशनुमा बना रहेगा। करवा चौथ पर सासू माँ की तरफ से बहुओं को सरगी देना चाहिए। शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पति के नाम का दीपक जलाएं, पति की आरती उतारें। इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। सासू माँ से आशीर्वाद ही आपके करवा चौथ के व्रत की विधि को पूरा करता है। उनका आशीर्वाद जरूर लें। अंतिम पर बहुत जरूरी बात है कि सासू माँ भी दिल से अपनी बहू को आशीर्वाद दें, क्योंकि आखिरकार वो आपके बेटे की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए ही यह व्रत रखती हैं। तो अगर लेन देन में कुछ कमी हो जाती है तो सासू माँ थोड़ा नाराज मत हुआ करिए, और बहू भी जितना हो सके अपनी सासू माँ को करवा चौथ पर उपहार दें ताकि वो खुश हो और खुश रहें हमेशा। आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।